ई पेद्दी रेड्डी की क्यादत में बीजेपी के सैकड़ों कारकुन टीआरएस में शामिल हो गए। वो करीमनगर में साबिक वजीर सैयद इटा राजेंद्र को बीजेपी में शामिल किए जाने पर नाराज थे और उन्होंने इसी को बहाना बनाकर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर ने तेलंगाना भवन में मुनक्कद एक तकरीब में पेद्दी रेड्डी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। इस तकरीब में रियासती वजरा, अरकान असम्बली, काउंसिल और पार्लियामेंट की बड़ी तादाद शरीक थी। बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड 2018-19। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी उर्दू जबान व अदब के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए काम कर रही है। रियासत में प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज की सतह के उर्दू टीचर्स, लेक्चरर्स को हर साल बेहतरीन उर्दू टीचर अवार्ड से नवाजा जाता है। ये अवार्ड 10,000 रुपये नकद, मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट पर मुश्तमिल है। बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड 2018-19 के इंतखाब के लिए 88 दरख्वास्तें मसूल हुई। अवार्ड याफ्तगान के इंतखाब के लिए तश्कील करदा कमेटी ने 27 जुलाई 2020 को मीटिंग की और तेलंगाना रियासत के तमाम अजला के 69 उर्दू टीचर्स, लेक्चरर्स को बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड 2018-19 के लिए मुंतखब किया। माइनॉरिटी वेलफेयर के वजीर कोपुला ईश्वर के हमरा तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी के हाथों अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद गौस, सुपरिंटेंडेंट कृष्णा और दीगर भी मौजूद थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर के वजीर कोपुला ईश्वर की अब तो आदत सी हो गई कि वो हर माइनॉरिटीज के प्रोग्राम में ताखीर से पहुँचते हैं। आज के बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड के प्रोग्राम में भी वो करीब 4 घंटे ताखिर से पहुंचे। हाय रे उर्दू का प्रोग्राम। रियासती वजीर इंडस्ट्रीज के टी नामारा ने सिलसिला में गोकुल दास इमेजर्स अपैरल फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा और बताया कि इस फैक्ट्री के क्याम के बाद 1,000 से ज्यादा मुकामी अफराद, खासकर खवातीन को रोजगार के मौके मिलेंगे। ये फैक्ट्री मर्द खवातीन के मलबूसा तैयार करती है और इसमें 500 से ज्यादा सिलाई मशीन रहेंगी। गोकुल दास गुज़्तर 40 साल से मलबूसा तैयार करते आ रही है। तेलंगाना हुकूमत ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रजिस्टर्ड तमाम खानगी दवाखानों को हिदायत दी कि वो 31 अगस्त तक अपने दवाखानों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि इस शर्त की तकमील न करने वाले दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 200 बिस्तर वाले दवाखानों के लिए फी मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्लांट लगाने होंगे। मजलिस असम्बली मुमताज खान के फर्जंद डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान ने बोनाल त्योहार के सिलसिले में असम्बली हल्के चामिनार के मुख्तलिफ मंदिरों का दौरा किया और वहाँ किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस त्यौहार को पुरमंग अंदाज में मनाएं और फिक्र वाराना महंगी को बरकरार रखें। प्राणापुर के मजलिस कारपोरेटर राजमोहन और दूसरे हिंदू मजलिसी कारकुन भी उनके हमराह थे। जामिया उस्मानिया की तरक्की के लिए 21 निकाती प्रोग्राम तजवीज़ किया गया है जिसमें ऑनलाइन तालीमी मरकज का क्याम भी शामिल है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डी रविंदर ने बताया कि इसके लिए एक ओवरसीज एजुकेशन सेल कायम किया जाएगा। हर तालिबिन को एक शिनाख्ती कार्ड जारी करते हुए उसे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। तुलबा की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक तरीके को अपनाने की भी तजवीज़ है। हजरत सैयद काजिम पाशा खादरी अल मौसवी अल जिलानी की पहली सालाना फातिहा की 3 रोज़ा तकारीब 4 अगस्त को खान खाहे खादरिया मौसवी हुसैन आलम में शुरू होगी। हेमनगर में जुमे को उससे मुतालिक एक पोस्टर जारी किया गया। जागरूकपुर के मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीजन में आबरासानी के जारी कामों का मायना किया। उन्होंने अहदेदारों को इन कामों की आगराना तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और दूसरे मजलिस कायदीन में उनके हमराह थे। रजागुंडा की साइबर क्राइम पुलिस ने एक नाइजेरियन 27 साल फिट्स ओबनिया को सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती बनाते और फिर उन्हें मुलाजमतें दिलाने का वादा करते हुए रकम एंटे के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि उसके एक हिंदुस्तानी साथी अनिल कुमार पांडे को दिल्ली से पकड़कर हैदराबाद लाया गया है। इन दोनों के पास से 30,000 रुपये की नकद रकम, कई क्रेडिट कार्ड्स और स्वाइपिंग मशीन भी बरामद किए गए। मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी ने रैन बाजार, संतोष नगर, कुरमाकोड़ा, छौनी नादली बेग डिवीजनों के 1800 जायद दरखास्त गुजारों में नए राशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज किया। तेलंगाना के मौके पर सिविल सप्लाई ने सिलसिले में खलंदा नगर कम्युनिटी हॉल में एक तकरीब मुनक़द की थी जिसमें कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद वासीउद्दीन, शाहिद सलाम, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली,
और मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद ने टोली चौकी में जुमेरात को खातून वकील रईसा फातिमा के बेहिमाना कत्ल के खिलाफ बतौर एहतजाज जुमे को काम से हाजिर रहने की अपील की थी, जिसकी वजह से अदालत में काम मुतासिर रहा। जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने कहा कि वकला बरादरी में इस वाक़े से रंज गम की लहर दौड़ गई। दरियासना रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर कोर्ट्स में भी आज वकला गैर हाजिर रहे। माधापुर के एक होटल में जुमेरात को एक शख्स ने अपनी माशूका का कत्ल करके खुद भी खुदकशी कर ली। इन दोनों की शिनाख्त जिले भवनगर के संतोषी और रामलू की हैसियत से की गई है। रामलू ने लीमोंट ट्री होटल में एक रूम बुक करवाया था। उसकी नाश पंखे से लटकती हुई पाई गई, जबकि उसके गर्लफ्रेंड की नाश बाथरूम में खून में लुतपुत पाई गई। पुलिस का कहना है कि रामलू ने संतोषी का गला काट दिया था। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने जुमेरात को यादगिरी गुट्टा सब रजिस्ट्रार देवानंद को रजिस्ट्रेशन के कार्रवाई के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बाद एक मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। बीजेपी के कारपोरेटरों के साथ जीएसएमसी के इम्तियाजी रवैये के खिलाफ बीजेपी के कारपोरेटरों और कारकुनों ने इंदिरा पार्क धरना चौक पर धरना दिया। बीजेपी की कौमी नायब सदर और साबिक वजीर डी करुणा ने कहा कि जीएसएमसी की मेयर विजय लक्ष्मी सिर्फ टीआरएस के हल्कों में तरक्याती कामों का मंजूरी दे रही है। उन्होंने कहा कि जीएसएमसी पर तमाम शहरों का उतना ही हक है जितना टीआरएस हल्कों के आवाम का है। हरसाकुंडा पुलिस ने सरमायाकारी पर भारी मुनाफा देने का लालच देकर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हुए लोगों से भारी रकमात एंट लेने के इल्जाम में एक नेपाली शहरी 33 साल तेज बहादुर को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि वो 1,000 और 500 रुपये के सरमायाकारी पर दुगनी रकम देने का वादा करता था। उसके जाल में फंसने वालों के बैंक खातों से वो फिर रकमात निकाल लेता था। इंस्पेक्टर वेंकटेश ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। बरतरफ शुदा वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि उनकी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफे और बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद टीआरएस के हल्कों में खलबली मची हुई है। चीफ मिनिस्टर वजायफ और राशन कार्ड तकसीम कर रहे हैं। दलितों को लंच पर भी बुलाया जा रहा है। जिले करीमनगर की पदयात्रा के दौरान वीना वेंकन्ना मंडल में अपने दौरे के दौरान ईटला राजेंद्र ने कहा कि हुजराबाद के जिमनी चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर इन सब बातों को भूल जाने वाले हैं। चुनाचे आवाम को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस की चाल से होशियार रहने की जरूरत है। तेलंगाना में कोविड-19 के 2 मरीजों में डेल्टा वायरेंट पाए गए हैं। मुल्क भर में अब तक 90 ऐसे केसेस का पता चला है। इनमें 23 महाराष्ट्र में, 10 तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में 11 और चंडीगढ़ में पाए गए 3 केसेस शामिल हैं। मरकजी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि मुल्क भर के 28 लेबोरेटरीज में मरीजों के तिब्बी मायनों की जांच की जा रही है और अब तक 46,124 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। टोक्यो में जारी ओलंपिक गेम्स में वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु बैडमिंटन के विमेन सिंगल फाइनल मुकाबलों में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने जापान की खिलाड़ी यामागुची को 20-18 से शिकस्त दे दी। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BIPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.